दीपिका की क्लॉथिंग लाइन आने के बाद उनका फर्स्ट डिज़ाइन देखते ही सब लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया कि उनको बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि लोगों ने अपना असली रिएक्शन दिया है। लोगों को जिनको पसंद नहीं आया उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं, जो पसंद जिनको आया है, उन्होंने अच्छे कमेंट भी किए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जिसे कुकिंग नहीं आती उसने तो रेस्टोरेंट खोल लिया, और जिसे फैशन का ज़ीरो पता है उसने क्लोथिंग लाइन जो है अपनी लेकर आ रही है। यानी कि सबा को भी भाभी के साथ साथ ट्रोल होना पड़ रहा है। सबा ने जो अपना रेस्टोरेंट ओपन किया था उसको लेकर सबा को भी ट्रोल होना पड़ रहा है, जब से दीपिका ने अपनी क्लोथिंग ब्रांड जो है अब लोगों के सामने लाया है। क्योंकि उनका फर्स्ट आउटफिट पसंद नहीं किया गया, जिसको लेकर उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया, और रिएक्शन में वो ना जाने क्या क्या बोल गए अपनी ऑडियंस को। उन्होंने कहा कि उन लोगों को जलन हो रही है, लोग जो है अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं हमने इस तरह कहकर, ना कि उन्होंने अपनी ये मानी कि हाँ चलिए हमारा डिज़ाइन अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, बल्कि उन्होंने लोगों पे ही इल्ज़ाम ठहरा दिया। लेबल DKI करके उन्होंने जो है नाम रखा कि फैंस ने उन्हें यह नाम दिया है, जब उन्हें पता है कि फैंस उनको इतना प्यार करते हैं तो उन्हें अपने फैंस, अपने ऑडियंस, अपने व्यूवर्स के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए था। इसीलिए लोगों से और हेट जो है दीपिका को और दीपिका के डिज़ाइन को मिल रहा है कि खुद को सेंस नहीं और लोगों को चली ज्ञान देने। इस तरह से दीपिका को ट्रोल किया जा रहा है, साथ ही सवा को भी किया जा रहा है। लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या सच में आपको दीपिका का डिज़ाइन पसंद आया, या फिर जो लोगों ने परफेक्टली कह दिया है कि हाँ जिसको कुकिंग नहीं आती उसने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, और जिसको फैशन का सेंस नहीं है उसने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी।